सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाए जा रहे हैं विक्रम झूमर। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए ग्रीन कलर की कोट, लाइटर, सीजर, बीड्स, बेल्स, येलो कलर की कोट एंड रेड कलर की कोट एंड ऑरेंज कलर की कोट। साथ में यहाँ पर हम 3 राउंड शेप की रिंग यूज़ करेंगे जिनकी साइज़ है 3 इंच की, 7 इंच की और साथ में 2 राउंड शेप की रिंग 10 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 8 कोट्स लेंगे ग्रीन कलर की। इन सभी कोट की साइज़ है 3 मीटर और अब हम ये सभी 8 कोट्स को इस तरीके से 3 इंच की राउंड शेप की रिंग में से कुछ निकाल देंगे और इसे इस तरीके से निकालने के बाद अब हम यहाँ पर सभी कोट को अटैच करेंगे। और सभी कोट को अटैच करने के लिए हम 1 मीटर की ऑरेंज कलर की कोट लेंगे एक, और साथ में इसी कोट को नीचे रखेंगे, इन सभी कोट के नीचे ग्रीन कलर की कोट के नीचे रखेंगे। फिर उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली कोट को राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोट को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। तो अभी हमने राइट हैंड साइड वाली कोट को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकाला है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली कोट को देखिए इस तरीके से राइट हैंड साइड की तरफ से हम निकाल देंगे तो ये एक नोट बन गई। तो ऐसा 2 टाइम्स करने से एक नोट बनेगी और अब हम ऐसा कंटिन्यूसली करते जाएंगे और नोट्स को बनाते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो है हम कम से कम 6 to 7 टाइम्स इसी तरीके से ये नोट्स को बनाते जाएंगे और जो लास्ट एंड में जो कोट बच जाएंगी उसे अब हम सीजर की हेल्प से कट कर लाइटर की हेल्प से हम इन्हें पीछे अच्छे तरीके से स्टिक कर देंगे। तो देखिए, इससे जो है सभी ग्रीन कलर की कोट्स भी आपस में अच्छी तरीके से अटैच हो जाएंगी। अब हम यहाँ से जो है हमारी मेन डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट कर देंगे और इसे बनाने के लिए सबसे पहले 4 कोट लेंगे और 4 कोट लेकर जो है सिंपल बेसिक नोट को अब हम कंटिन्यूसली बनाते जाएंगे। और ये 4 कोट में से जो सेंटर की 2 कोट है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, उसे हम कहीं से भी नहीं निकालेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली कोट है बस उसे ही हम घुमाते जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको पहले तरीका बताया था सिंपल बेसिक नोट को बनाने का, बस वही तरीका यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे और ऐसे सिंपल नोट्स जो है कंटिन्यूसली इसमें बनाते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमने 2 सिंपल बेसिक नोट को इसमें बना दिया है। अब हम इसके बाद जो सेंटर की 2 कोट है जहाँ पर जिसे हम कहीं से भी यूज़ नहीं कर रहे थे निकालने के लिए, तो वही 2 कोट लेंगे और उसमें एक ऑरेंज कलर के काटा बीड्स को इस तरीके से रख देंगे। और रखने के बाद फिर वही जो साइड वाली एक एक कोट है उसको हम यूज़ करेंगे निकालने के लिए और इस तरीके से सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। तो इसमें आपको इस बात का जरूर ध्यान देना कि जितने नोट्स आप बना रहे उसके बाद जो बीट्स अटैच कर रहे हैं तो नीचे भी आप ऐसे ही करिएगा और साइड में भी जितने भी लाइंस बनेंगी ये डिज़ाइन की उसमें भी हमको इसी बात का ध्यान देना है। तो 2 नोट्स के बाद बीट्स को अटैच करें तो हर जगह हमको यही बात का ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि 3 नोट्स बना रहे फिर बीट्स को अटैच करें, फिर कहीं पर 4 नोट्स बना रहे और फिर बीट्स को अटैच कर रहे, ऐसा हमको नहीं करना है। बस दो जैसे ही एक सिक्वेंस से ही बस हमको इसमें बनाते जाना है। तो यहाँ पर जो हमने सभी 4 कोट को यूज़ कर इनके इतने पार्ट्स हमने बना लिए, अब हम इसके बाद जो है 7 इंच की राउंड शेप की रिंग को इसमें अटैच कर देंगे। और ये 7 इंच की राउंड शेप की रिंग को अटैच करने के लिए इसे हम बाकी के सभी कोट के ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से एक कोट को लेंगे और इस 7 इंच की राउंड शेप की रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो देखिए, ये एक कोट को लिया और ये हमने फर्स्ट टाइम निकाला, अब यही कोट को सेकेंड टाइम भी निकाल लेंगे। तो ये सेकेंड टाइम हमने निकाल दिया। अब हम ऐसे सभी कोट को 1 बाय 1 करते हुए लेते जाएंगे और इस 7 इंच के राउंड शेप की रिंग के ऊपर से कंटिन्यूसली करते हुए इसे 2 टाइम्स निकालते जाएंगे तो तब जाकर जो ये सभी कोट इस रिंग में अटैच हो पाएंगी।
अब देखिए इनके बीच में जो ये गेप है उस गेप को फिल करने के लिए यहाँ पर हम 10 10 कोट्स सभी गेप में अटैच करेंगे और यहाँ पर टोटल 40 कोट्स हम अटैच कर रहे हैं और इन सभी की साइज़ है 2.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए कोट को अटैच कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 कोट्स हमने अटैच कर दिए। अब हम सभी पार्ट्स में कुछ इसी तरीके से 10 10 कोट्स को अटैच कर देंगे। इसके बाद जो है 4 कोट लेंगे और 4 कोट की हेल्प से हम सिंपल बेस क्लॉथ को बनाएंगे और साथ में बीट्स को भी अटैच कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर हम 4 कोट लेकर पहले एक नोट को बनाएंगे फिर बीट्स को अटैच करेंगे और ऐसा हमको कंटिन्यूसली करते जाना है। एक नोट बनाना है फिर बीट्स को अटैच करना है, फिर एक नोट बनाना है फिर बीट्स को अटैच करना है। और नोट को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बस वही तरीका यहाँ पर भी हमको यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने बीट्स और नोट्स को इसमें बना दिया है तो ये 1 2 3 4 5 एंड देन 6, टोटल 6 बीट्स और नोट्स हमने यहाँ पर इसमें बना दिए और बीट्स को भी अच्छी तरीके से 6 बीट्स टोटल हमने अटैच करे यहाँ पर। और अब हम इसके बाद नोट्स को बनाने का तरीका चेंज कर देंगे। तो ये जो 4 कोड है उसको हम 2 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो एक पार्ट में 2 कोड रहेंगी। अभी 2 कोड यूज़ करके हमको नोट्स को बनाना है और ये नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड रहेंगी उसे हम राइट हैंड साइड के ऊपर से निकालेंगे, फिर सेकंड टाइम में राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की कोड के ऊपर से निकालेंगे। और ऐसा हमको कंटिन्यूसली करते जाना है और कम से कम यहाँ पर हम ऐसे करते जाएंगे और जो साइड में जो 2 कोड बची हुई है वहाँ पर भी हम ऐसे नोट्स को बनाते जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये नोट्स को बनाने का और कम से कम 6 to 7 times हम इसी तरीके से ये नोट्स को बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से दोनों ही साइड में इक्वल इक्वल साइज़ के ये नोट्स बना दिए। अब हम इसके बाद 10 इंच की राउंड शेप की रिंग को इसमें अटैच करेंगे और इसे अटैच करने के लिए इस रिंग को सभी कोड के ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और इसे देखिए फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम, तो 2 times एक ही कोड को निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम और फिर से यही कोड को सेकेंड टाइम, और ऐसे ही हम सभी कोड में करेंगे तो तब जाकर जो है सभी कोड इस रिंग में अटैच हो पाएंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले नोट्स को बना देंगे सिंपल बेसिक नोट को,
और यहाँ पर टोटल 4 सिंपल बेस्ट कनॉट हम बनाएंगे पहले स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट लाइन से फिर से दोबारा हम सिंपल बेस्ट कनॉट बनाएंगे। और जैसा आप साइड में डिज़ाइन देख रहे हैं बस सेम यही डिज़ाइन अब हम यहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हम इसके बाद 4 नोट्स बन जाने के बाद अब हम 3 नोट्स बनाएंगे। और ये 3 नोट्स को बनाने के लिए इसकी जो नेक्स्ट लाइन देंगे वहाँ पर हमको कॉर्नर की दो दो कोट को छोड़ देना है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। और ये 3 नोट्स को बनाने के लिए जो ऊपर की 2 नोट्स है उसके ठीक नीचे सेंटर में हमको 1 नोट को बनाना है। तो ऊपर के 2 नोट के कॉर्नर के दो दो कोट हम यूज़ कर लेंगे और वो दो दो कोड हो जाने के बाद जो ये टोटल 4 कोड हो जाएंगे और 4 कोड की हेल्प से हम सिंपल बेस्क नोट को बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये नोट्स हम 3 नोट्स बना देंगे और आप देख सकते हैं कॉर्नर की तरफ से जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो दो कोड हमने छोड़ दी है। और देखिए ये बन जाने के बाद अब हम सेंटर की तरफ से जो सिंपल बेस्क नोट है उसको हम लेंगे, इट मीन जो सेकंड वाली नोट है वो उसके जो 4 कोड है उसको हम यूज़ करेंगे और 4 कोड में से भी इसके दो दो कोड को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। और इसके बाद जो 2 कोड है 2 कोड यूज़ कर कर हम नोट्स को बना देंगे। तो यहाँ पर जो है हम पाइपिंग के नोट्स को बनाएंगे। अब हम सेंटर की तरफ से पाइपिंग को बनाएंगे और इसे बनाने के लिए इसके जो 1 कोड है उसको दूसरे वाली कोड के ऊपर रखना है, फिर नीचे वाली कोड को ऊपर रखे हुए कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालना है। तो तब जाकर ये जो पाइपिंग है वो इसमें बन पाएंगी। अब हम दो ही साइड को आपस में ज्वाइन करने के लिए इनकी एक एक कोड ले लेंगे तो 2 कोड हो जाएंगी और सेंटर की तरफ से मुझे इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर की तरफ से। अब हम फिर से साइड वाली कोड लेंगे और साइड वाली कोड लेकर इसकी हेल्प से भी अब हम इसकी पाइपिंग भी बना लेंगे। और इसे बनाने के लिए इसे बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे इसके साइड वाली कोड को, और जिस तरीके से पाइपिंग के नोट्स बनाई जाती है बस वैसे अब हम इसे बना देंगे। तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ से स्टार्ट करते हुए इसे सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाना है। ये 2-2 लाइन की पाइपिंग दोनों ही साइड में हमने बना ली है। अब हमें 3rd लाइन की पाइपिंग को भी इसी तरीके से बना देंगे। देखिए यहाँ पर जो है 3rd लाइन की पाइपिंग दोनों ही साइड में बना दी है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब हम इसके बाद जो है सेंटर की तरफ से हम यहाँ पर आगे की जो थोड़ी सी कोड लेंगे, इट मीन्स यहाँ पर हम आगे की जो 2 कोड से उसको हम यूज़ करेंगे ये पाइपिंग को बनाने के लिए। और उसके बाद जो है सेंटर की 2 कोड लेकर इसमें हम ऑरेंज कलर के कटर बीट्स को रख देंगे। Thank you.
तो देखिए यहाँ पर हमने ये बीड्स को रख दिया है। अब हम जो साइड से पाइपिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए इसे नीचे की तरफ सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। देखिए यहाँ पर हम वन येलो कलर की कोर्ड लेंगे, इसके साइज है 60 सेंटीमीटर और इसे जो है सबसे पास वाली मतलब जो सेंटर की जो कोर्ड है वहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे। और अटैच करने के लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसकी एक साइड हमको छोटी रखनी है और दूसरी साइड बड़ी रखनी है, तो दूसरी जो बड़ी साइड है उसको ही हम यूज़ करेंगे नोट्स को बनाने के लिए। और यहाँ पर जो है हम टोटल 6 नोट्स बनाएंगे और ऐसा हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में करेंगे। और इस बात का भी ध्यान देना कि जितनी नोट्स आप बना रहे हैं उतनी ही दूसरी साइड में बनाएं, इट मीन्स 6 नोट्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है और राइट हैंड साइड में बनाना है। तो अब देखिए नोट्स को बनाने के लिए जो ग्रीन कलर की कोड है उसको हम ऐसे रखेंगे, उसे हम कहीं से भी नहीं निकालेंगे। और जो येलो कलर की कोड है उसको ग्रीन कलर की कोड के ऊपर से पहले निकाल लेंगे, ये देखिए ऊपर से हमने निकाला और सेकेंड टाइम में से नीचे से निकाला। तो इस तरीके से बस ऊपर और नीचे से निकालेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 नोट्स हमने यहाँ पर बना ली है। अब हम इसके बाद जो है इसकी पाइपिंग भी बना देंगे, तो यही कोट को बाकी की कोट के ऊपर रखेंगे ग्रीन कलर की कोट को, और फिर नीचे वाली ग्रीन कलर की कोट लेकर ऊपर रखे हुए ग्रीन कलर की कोट के ऊपर से 2 2 टाइम्स निकाल देंगे, जिससे हम पाइपिंग बनाते हैं बस वैसे ही यहाँ पर भी हम बना देंगे। यहाँ पर हम 1 ऑरेंज कलर की कोट को इसमें अटैच करेंगे, इसकी साइज है 80 सेंटीमीटर और इसे भी हम देखिए येलो कलर की कोट के जस्ट साइड में इसे अटैच करेंगे। और इसमें भी हमको एक साइड इसकी छोटी रखना है, बहुत छोटी रखना है, और दूसरी साइड सबसे बड़ी रखना है। और जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसको यूज़ करेंगे नोट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम टोटल ऑरेंज कलर की कोट की हेल्प से 9 नोट्स इसमें बना देंगे, और ऐसा हम लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे और राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो येलो कलर की कोट में 6 नोट्स और ऑरेंज कलर की कोट में 9 नोट्स हम बना देंगे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और ऑरेंज कलर के नोट्स में ये 9 नोट्स बन जाने के बाद सेम जैसे हमने पहले पाइपिंग करी थी ग्रीन कलर की कोट की, बस वैसे ही यहाँ पर भी हम पाइपिंग को बना देंगे।
अब देखिए यहाँ पर हम 1 रेड करके कोट को इसमें अटैच करेंगे। इसकी साइज है 1 मीटर और इसे भी हम सेम वैसे ही तरीका यूज़ करेंगे अटैच करने के लिए, एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी। और रेड कलर के कोट में हम टोटल 10 नोट्स हम बना देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, येलो में 6, ऑरेंज में 9 और रेड में 10 नोट्स हमको बनाना है। और ये नोट्स को बनाने का तरीका बस सेम वैसा ही है, ऊपर से और फिर नीचे से कोट को निकालते जाना है और ये नोट्स को बनाते जाना है। और फिर नीचे की तरफ से भी ग्रीन कलर की कोड यूज़ करते हुए नीचे भी पाइपिंग को बना लेंगे। और अब देखिए राइट हैंड साइड पर भी सेम यही तरीका यूज़ करेंगे, येलो कलर की कोड को अटैच करेंगे, फिर ऑरेंज कलर की कोड को, फिर रेड कलर की कोड को। Thank you.
और देखिए फ्रेंड, इसके जितने भी कोड बच जाएंगे उसे हम कट करके लाइटर के हेल्प से इसे पीछे अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे। देखिए इसके बाद जो है 10 इंच की सेकंड वाली राउंड शेप की रिंग को इसमें अटैच करेंगे, और इसे अटैच करने के लिए इसे बाकी के सभी कोड के ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और ऊपर के कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे, तो फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम। और अब हम ऐसे ही तरीका यूज़ करते हुए सभी कोड को इस 10 इंच की सेकेंड वाली राउंड शेप की रिंग में अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जितने भी कोड बची हुई थी उसे हम प्रॉपरली अच्छे से कट करके लाइटर के एब्स हमें स्टिक करें, ताकि जो साइज है वो प्रॉपरली दिख पाए और अच्छे तरीके से दिख पाए। और अब जो बाकी की बची हुई नीचे की कोड है उसको हम पूरे एक ही साइड में एक ही साइज में कट कर देंगे, और इसे राउंड शेप में हमको कट करना है। और फिर इसके बाद जो है अब हम नीचे बेल्ट को इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए इसे इसकी जो कटिंग है इसको करने के लिए हमको एक कोड को छोड़ने, फिर जो बाकी की साइड की जो 2 कोड है उसको कट करके लाइटर की हेल्प से उसे वही की वही स्टिक कर देना है। फिर उसके बाद सेम यही तरीका यूज़ करना है, एक कोड को छोड़ना है और बाकी की 2 कोड को कट करके स्टिक करना है। ऐसे ही पूरे राउंड में हम करते जाएंगे, और उसके बाद जो एक एक कोड हम छोड़ रहे उसमें हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। तो देखिए जो एक कोड हमने छोड़ी उसमें हमने एक कोड में एक बेल्ट को रखा, फिर लाइटर के से वही परी बेल्ट को अटैच करने के बाद कोड को स्टिक कर दिया। ऐसा अब हम पूरे राउंड में करेंगे, और कलरफुल बेल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसे अटैच करने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने नीचे बेल्स को अच्छी तरीके से अटैच कर दिया, और यहाँ पर जो हमारा मेकरम का झुमका बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलरफुल है और सिंपल डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इसे जरूर ट्राई करिएगा, और इसे जरूर बनाइएगा, और अपने घर को डेकोरेट करिएगा इस ब्यूटीफुल से कलरफुल मेकरम झुमका से। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और साथ में हमारा चैनल मेकरम आर्ट की क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।